दिल्ली प्रवास से लौटे मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पहले दिन पर्यटन मंत्री और दूसरे दिन शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है। बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन मंत्री से राजिम कुंभ, महाकौशल्या मंदिर और शिरपुर परियोजना की स्वीकृति देने की बात कही। वहीं शिक्षा मंत्री से छत्तीसगढ़ के नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग की। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अयोध्या में जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मां बम्लेश्वरी प्रसाद के लिए 40 करोड़ का बजट है जो 15 फरवरी तक आरंभ हो जाएगा। और आ रहा आपका केंद्रीय मंत्रियों से मिले शिक्षा मंत्री दिल्ली में, पहले दिन हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई और दूसरे दिन शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई और उसमें हमने पर्यटन मंत्री जी से कि हमारा जो राजीव कुंभ है, साथ में माँ कौशल्या का मंदिर है और सिरपुर है, और हमने जो अपने घोषणा पत्र में 5 शक्ति कुठियों के विकास की बात की है उसके बारे में उनसे चर्चा की है कि हमको विभिन्न परियोजनाओं में उसकी स्वीकृति दी जाए, और शिक्षा मंत्री जी से मिलकर छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटियों को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, यहाँ पर शासकीय कॉलेजों की स्ट्रेंथनिंग के लिए और स्कूल शिक्षा विभाग में कि शासकीय कर्मचारी केंद्र सरकार के सभी जिलों में है और विशेष रूप से बस्तर में बहुत बड़ी मात्रा में सेंट्रल फोर्सेज हैं, तो वहाँ पर सभी जिलों में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सभी जिलों में सैंक्शन करें, इस बात का हमने उनसे आग्रह किया है। और इस बात का भी आग्रह किया है कि विभिन्न योजनाओं में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 33% ट्राइबल हैं, 12% कास्ट हैं, तो विभिन्न योजनाओं में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, इस बात का आग्रह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने पत्र लिखा है, उसमें पर्यटन केंद्र की मांग की। हमने आदित्य योगीनाथ जी को पत्र लिखकर कि छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का वनगमन मार्ग है, ननिहाल है, तो छत्तीसगढ़ को कौशल्या धाम बनाने के लिए और वहाँ पर जमीन उपलब्ध करवाई जाए, ये पत्र हमने लिखा। माँ बम्लेश्वरी देवी प्रसाद योजना के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री को आमंत्रण दिया है, किस तरीके से योजना है? प्रसाद योजना के अंतर्गत लगभग 40 करोड़ रुपए मिल चुका है और उसका काम भी, हमारी कोशिश है कि 15 फरवरी तक उस काम को पूरा करवाएं और उसके तहत उनको आमंत्रण दिया है कि आप आएं और इस योजना का उद्घाटन। भैया 5 सालों से माघी पुण्य मेला मनाया जा रहा था, पर क्या संत समागम फिर से देखने मिलेगा महाकुंभ की ओर? देखिए, छत्तीसगढ़ की पहचान बन गया राजिम कुंभकल्प मेला, उस पहचान को कांग्रेस ने समाप्त किया था, उस पहचान को फिर से हम स्थापित करेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।